गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम करने वाले हैं मैथ्स टीजीटी पेपर 2014 एंड 15 पार्ट ए हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं पार्ट टू पार्ट टू के अंदर हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन क्या हैं जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं वे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलिए देखते हैं फिफ्टी क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है हमें किसकी इरेशनल नंबर की ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग राइट ठीक है रियकरिंग अब क्या है रीअकरिंग ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है टर्मिनेटिंग ये भी नहीं है ये किसका होता है रेशनल नंबर का होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग ये हमारे पास आंसर किसका है इरेशनल नंबर का। तो हमारा ऑप्शन लाइक नंबर हमारे पास है वन बाई टू इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास फाइव नंबर क्या हुआ फिनिश हो गया ठीक है तो ये नंबर कैसा हमारे पास टर्मिनेटिंग इसका एंड पॉइंट हमारे पास आ चुका है आफ्टर डेसिमल ठीक है तो नंबर क्या है कम्प्लीट डिवाइड हो चुका है कुछ नंबर हमारे पास लाइक वन बाई थ्री है तो आंसर हमारे पास आएगा इसका जीरो पॉइंट थ्री 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 तो ये नंबर क्या होगा जीरो पॉइंट थ्री के ऊपर बार ये नंबर क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट क्या है ये रीअकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग तो ये टाइप हमारे पास किसकी है एक रेशनल नंबर की तो ये भी रेशनल नंबर की टाइप है ये भी रेशनल नंबर की टाइप है जो बचा हमारे पास ऑप्शन थर्ड ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग लाइक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है रूट टू रूट थ्री पाई इस टाइप से ठीक है ये नंबर ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं लाइक वन पॉइंट जीरो टू ज़ीरो टू टू जीरो टू टू जीरो टू 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 इस टाइप से नंबर्स ठीक है इनको बोलते हैं ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियरिंग रीअरिंग मतलब जो बार बार नहीं आ रहे ठीक है चलिए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू वन जीरो टू हमारे पास कुछ इस प्रकार से है इफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स माइनस टू ठीक है इसके वैल्यू में फाइंड करनी है ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं वन ओवर एक्स स्क्र लिख सकते हैं हम इसके वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा चलिए करते हैं एक्स हमारे पास क्या है रूट थ्री प्लस रूट टू तो यहाँ से वन ओवर एक्स क्या हो जाएगा वन बाई रूट थ्री प्लस रूट टू इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन तो यहाँ से हमारे पास आएगा रूट थ्री माइनस रूट टू और नीचे हमारे पास थ्री माइनस टू दैट इज रूट थ्री माइनस रूट टू ओवर वन रूट थ्री माइनस रूट टू वन बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है हमें किसकी चाहिए वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू तो इसका क्या square करो स्क्वायर करो रूट थ्री माइनस टू स्क्र तो यहाँ से हमारे पास थ्री प्लस टू माइनस टू रूट सिक्स दैट इज फाइव माइनस टू रूट सिक्स ऑप्शन नंबर हमारा डी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है टेंथ ट्वेल्थ लेवल पे बेस्ड क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन है जो ग्रेजुएशन पे बेस्ड होगा वो भी हम सोल्व कर लेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पॉइंट एट मल्टीप्लाई पॉइंट जीरो फाइव अपोन पॉइंट जीरो जीरो फोर

बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे कंपेयर दैट इज एन माइनस वन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास थ्री इसके लिए निकालने हैं तो थ्री थ्री एस टू पावर निकालनेटी सेवन जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारे पास द इक्वेशन एक्स स्क्वे माइनस फाइव स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरोज टू रियल रूट्स फोर रियल रूट्स वन रियल रूट्स और नो रियल रूट्स कुछ बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक वाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके टू रूट्स होंगे और वहीं पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है मोडक्स अब यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं वे क्या सोचते हैं कि जो मोड एक्स है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है लेकिन नहीं जो मोड एक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्स लेस देन जीरो पे होता है और एक्स ग्रेटर देन पे होता है यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती है और यहां पे वैल्यू पॉजिटिव होती है ठीक है अब बात करते हैं रियल रूट्स की कॉम्प्लेक्स रूट्स भी तो आ सकते हैं चलिए निकालते हैं जब x लेस देन जीरो होगा तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव तो एक्स स्क् माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस सिक्स इजिक्वल टू जीरो माइनस माइनस प्लस फाइव एक्सप्रेस प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो यहां से हमारे पास एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो रियल रूट कितने आ गए दो आ गए अब क्या करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक केस हमारे पास ये हुआ फर्स्ट केस फर्स्ट अब केस सेकंड की बात करते हैं यहां पे क्या है पॉजिटिव लेंगे x को तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहां से भी हमारे पास क्या है टू रियल रूट्स तो टू यहां से टू यहां से टोटल हमारे पास हो गए फोर रियल रूट्स ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है द इक्वेशन मोड एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर हैज ऑप्शन हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन टू सोल्यूशन मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं आप में यहाँ पर मिस्टेक क्या करोगे एक्स प्लस फोर है मोड है तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू एट माइनस एट ठीक है इसका आंसर क्या आ गया एक सॉल्यूशन आया इसका दो बस आंख खींच के क्लिक कर दिया आपने ऑप्शन नंबर सी पे जो कि क्या है रोंग आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर यूनिक सॉल्यूशन ए भी आपने क्लिक कर दिया जो क्या है गलत आंसर है ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होगा अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में जो ये वैल्यू होती है ये टू पे खुलती है ठीक है एक्स लेस देन जीरो पे एक्स ग्रेटर देन जीरो पे लेकिन यहाँ पे क्या है फोर है तो केस फर्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे हम जब एक्स की वैल्यू क्या होगी लेस देन माइनस फोर जब एक्स वैल्यू क्या होगी लेस देन माइनस फोर ठीक है अब लेस देन माइनस फोर मैंने कैसे लिया जो x प्लस फोर है इसको क्या करो जीरो के इक्वल पुट करो तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास माइनस फोर तो x की वैल्यू क्या करेंगे माइनस फोर पे चेक करेंगे लेस देन माइनस फोर अब लेस देन माइनस फोर की वैल्यू आप कुछ भी उठा सकते हो चलिए हमने उठाया माइनस फाइव तो माइनस फाइव यहाँ पुट करेंगे तो माइनस फाइव प्लस फोर आंसर क्या आता है माइनस वन आता है ना तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव तो नेगेटिव x प्लस फोर इज इक्ल टू माइनस फोर तो यहां से माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्ल टू माइनस फोर तो माइनस अब ये वैल्यू यहां पुट करो तो क्या आएगी जीरो माइनस फोर क्या बात ट्रू है दैट इज फॉल्स है स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है हमें कोई सोल्स मिला यहां से नहीं मिला अब केस सेकंड लेके चलते हैं ये चलेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन माइनस फोर लेंगे ठीक है ग्रेटर देन माइनस फोर क्या लेंगे माइनस थ्री ले सकते हैं तो माइनस थ्री बुट करेंगे यहाँ पे माइनस थ्री प्लस फोर दैट इज क्या आएगा वन क्या क्वांटिटी है पॉजिटिव है माइनस टू ले लीजिए तब भी क्या आएगा टू आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी है राइट है कि नहीं अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा x ग्रेटर देन माइनस फोर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव तो x प्लस फोर इज इक्ल टू माइनस फोर एक्स ट ये हमारे पास आ गया एक्स इजिक्वल टू माइनस एट यहां पुट करते हैं तो माइनस एट ग्रेटर फोर क्या ये बात ट्रू है नहीं है ना क्यों क्योंकि माइनस फोर से लेस होता है तो यहां से भी स्टेटमेंट क्या हुई फॉल्स कोई सोल्यूशन मिला हमें यहां से नहीं मिला तो आंसर इसका क्या आएगा नो सोल्यूशन ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 107 107 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप देखते ही बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 107 है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज टू इरेशनल नंबर का सम क्या होता है ऑलवेज एक इरेशनल नंबर होता है ठीक है आप कौन से यहां पे ठीक हो जाता? लेकिन इन्होंने क्या दिया कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया ठीक है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज क्या होता है ऑलवेज इरेशनल अब जिसने ये किया है उसने अपने अकॉर्डिंग तो ठीक कर दिया क्वेश्चन क्योंकि उसे पता है इरेशनल ही होता है लेकिन इन्होंने क्या किया कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन और ऐड कर दिया दैट इज क्या रियल नंबर क्या इनका सम रियल नंबर नहीं होगा क्योंकि जो इरेशनल नंबर है ये रियल नंबर के अंदर नहीं आते तो इनका सम क्या आएगा हमारे पास रियल नंबर ठीक है अगर रियल ऑप्शन में नहीं होता तब इनका इसका आंसर क्या होता इरेशनल नंबर ठीक है अब इसका आंसर क्या है रियल नंबर क्योंकि रियल सेट है, है. हमारे पास है एक सौ आठ एन ओड डिग्री पोलोमियल इक्वेशन हैज कितने रूट होंगे हमारे पास एटलीस्ट वन ईर रूट नो रियल रूट ओनली वन रियल रूट नन ऑफ डीच ओड डिग्री की पुल मिल है मान लीजिए इसका ऑर्डर कितना है थ्री है तो यहां पे कितने होंगे एटलीस्ट वन रियल रूट जो रियल रूट होगा कम से कम कितना होगा वन होगा ठीक है क्यों क्योंकि जो टू रूट बचेंगे वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वे ऑलवेज किस में आते हैं पेयर्स फॉर्म में आते हैं पेयर्स में आते हैं ठीक है पेयर्स में आएंगे तो दो रूट बनेंगे वो बचे कितना एक रूट बचा अगर फाइव और लेते हैं तो हमारे पास हो सकता है टू रूट आ जाए इनका पेयर बन के आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वे ऑलवेज पेयर्स में आते हैं ठीक है ऑलवेज पेयर्स में आते हैं जो बचा कौन सा एक बच गया तो वो हमारे पास क्या होगा रियल रूट तो एट लीस्ट वन रियल रूट हो सकता है इसका कम से कम एक हो सकता है ये भी हो सकते हैं बट एक तो जरूर होगा ठीक है अगर ओ डिग्री पुलो मिल है तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन इज नंबर दो नंबर्स का सम हमारे पास फिफ्टी दे रखा है मान लीजिए फर्स्ट एक्स है तो दूसरा फिफ्टी माइनस एक्स होगा द फ्रैक्शन ऑफ टेन बाई डिड इंग लार्जर नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर इज थ्री बाय टू लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा थ्री बाई टू आएगा ठीक है द नंबर्स आर नंबर क्या होंगे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या करो बाई ऑप्शन सोल्व करो ठीक है जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इसका 25, 25. ट्वेंटी फाइव क्या इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर थ्री बाई टू आता है नहीं इससे आंसर वन आएगा नेक्स्ट टेन फोर्टी और डिवाइड करेंगे आंसर कितना आता है वन बाई फोर आता है ये भी नहीं हो सकता फिफ्टीन थर्टी फाइव पर डिवाइड करेंगे तो फाइव थ्री जा और फाइव सेवन जा थ्री बाई सेवन आता है ये भी नहीं हो सकता नेक्स्ट हमारे पास है ट्वेंटी थर्टी जीरो कैंसिल टू बाई थ्री तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है आप इसको बाई ऑप्शन ट्राई कीजिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आंसर फ्रैक्शन क्या बनना हमारे पास थ्री बाई टू तो रेशो भी क्या आएगा नंबर्स की थ्री बाय टू ही तो आएगी तो थ्री बाई टू देखो थ्री बाई टू आप चाहे तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं चाहे तो आप ऑप्शन सोल्व कर सकते हैं अब आप कहेंगे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा एक डाउट आ रहा होगा कि हमें कैसे पता कि यही नंबर बड़ा है तो सी बात है इन्होंने कहा कि लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशो हमारे पास ये के आ रहा है अब आप कहोगे हमें कैसे पता कि ये नंबर लार्जर होगा कोई बात नहीं आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं तो भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा ठीक है ट्राई करना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका मदर्स एज इज थ्री टाइम द एज ऑफ हर सन एक मदर है एक सन है सन की एज मान लेते हैं एक्स है जो मदर की एज है वो हमारे पास कितनी है थ्री टाइम है थ्री एक्स है उसके बाद कहता है आफ्टर फाइव ईयर्स दियर एज विल बी एड टू आफ्टर फाइव ईयर्स तो एक्स प्लस फाइव यहाँ से भी थ्री एक्स प्लस फाइव ये हो जाएगी वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आर मदर मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है और इनका सम हमारे पास कितना है सिक्सटी सिक्स है तो इनको ऐड करो एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स प्लस फाइव फाइव टेन जल टू सिक्सटी सिक्स फोर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स और एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फोर्टीन एक्स फोर्टीन है एक्स की है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी फोर्टीन मल्टीप्लाई थ्री दैट इज फोर्टी टू जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है एक सौ ग्यारह क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन क्या है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्स प्लस y square and x एंड y square is this इज दिस क्या फाइंड करना है अर्थमेटिक मेन दैट इज एम अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे आएगा आंसर क्या होगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं कंफ्यूजन दूर करते हैं ये हमने को तीन नंबर्स ले लिए ठीक है ए बी ए कैपिटल ए और बी ठीक है जो ये ए है हमारे पास ये क्या है ए एम है हमें इसके फाइंड है अर्थेमेटिक मीन तो क्या करते हैं जो ए पी होती है उसके अंदर क्या होता है कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू तो वही करेंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी टू एज इक्वल टू ए प्लस बी कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू हमारे पास क्या है इसका ए एम तो टू नंबर्स का अगर हमें ए एम फाइंड करना है तो क्या करो दो नंबर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो तो दो नंबर्स हमारे पास इस प्रकार से हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर डिवाइड बाय टू इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज यहां से आएगा हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर टू डिवाइड बाई टू दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर ठीक है ए प्लस बी होल स्क्र ए माइनस बी का होल स्क्र टू एक्स वाई आएगा टू एक्स वाई आएगा माइनस के कैंसिल हो जाएंगे ये बचेगा हमारे पास जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक सौ बारह चलिए उसको देख लेते क्वेश्चन नंबर जो एक सौ बारह हमारे पास फाइव प्लस एट प्लस ग्यारह प्लस डेस्ट लास्ट में हमारे पास है फोर्टी सेवन प्लस फिफ्टी सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज इज दिस इस सीरीज का हमें क्या निकालना है सम फाइंड करना है अब देखो कि ए पी है या क्या जी पी है तो फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस थ्री इलेवन ठीक है तो हमारे पास क्या ये है? एपी है ए पी है तो एपी का सम हमारे पास क्या होता है n 2, a an. अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो ए के लिए हमारे पास है ए एन केवल हमारे पास है लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी सबसे पहले क्या करेंगे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी ए एन के फिफ्टी फाइव प्लस एन माइनस वन और डी हमारे पास आएगा एट माइनस फाइव दैट इज थ्री तो फाइव सब करेंगे फोर्टी फाइव एन माइनस वन थ्री तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन और प्लस वन सिक्सटीन एन इज इक्वल टू हमारे पास सिक्सटीन आ गया ठीक है एन केिक्सटीन है यहाँ पुट करो तो सिक्सटीन बाई टू एन टू फाइव प्लस फिफ्टी फाइव एट मल्टीप्लाई 55 तो हमारे पास आएगा आठ पाँच चालीस आठ पाँच चालीस चार चौवालीस फोर फोर्टी ठीक है ये हमारा इसका आंसर रहने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बैग कंटेन सिक्स रेड एंड फोर ग्रीन बॉल्स ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम द बैग्स एक बॉल ड्रॉन की गई एंड बैग से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई द रेड बॉल और ए ग्रीन बॉल तो हमारे पास रेड बॉल कितनी है सिक्स जो ग्रीन बॉल है हमारे पास वो कितनी है फोर ठीक है इन्होंने कहा है इधर रेड निकले और ग्रीन निकले तो इसमें क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऐड होगी ठीक है रेड की और ग्रीन की रेड की क्या होगी हमारे पास सिक्स बाय टेन प्लस ग्रीन की क्या होगी फोर बाई टेन फेरेबल केसेज डिवाइड बाई टोटल केसेज सिक्स प्लस फोर टेन तो यहाँ से हमारे पास टेन बाई टेन दैट इज़ आंसर वन जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेवन पर्सन आर टू बी सीटेड इन ए रो द प्रोबेबिलिटी दैट टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर सात पर्सन बैठे हुए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन्होंने क्या कहा है सेवन पर्सन आर सीटेड टू बी इन ए रो द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर नेक्स्ट टू ईच अदर एक को छोड़ करके दो साथ में बैठे तो हों तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने होंगे मान लीजिए हमने फर्स्ट को छोड़ दिया तो ये दो साथ में बैठे हैं फिर इसके बाद इसको छोड़ दिया तो कितने साथ में हैं बैठे हमारे हैं पास ये साथ में बैठे हैं तो केस कितने बने वन और टू टोटल कितने थे हमारे पास सेवन तो आंसर इज टू बाई सेवन अब आप कहोगे कि हम सर फर्स्ट को नहीं छोड़ते हम फर्स्ट को बैठाते चलिए यहाँ पर बिठा दिया तो इसको छोड़ देंगे हम फिर यहाँ पर बिठा दिया इस उसके बाद क्या किया हमने इसको छोड़ दिया फिर यहां बैठा दिया फिर इसको छोड़ दिया यहां बैठाने के लिए है ही नहीं फिर भी क्या है वन और टू केसेस ठीक है टोटल केस कितने हमारे पास सेवन तो आंसर इज टू बाई सेवन जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई इफ पी ऑफ ई इज टू हमारे पास है ये क्वेश्चन कटा हुआ statement है यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी इसकी स्टेटमेंट है पी ऑफ ई जीरो पॉइंट नाइन 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 ठीक है वैल्यू में फाइंड करनी है ये वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे One को करेंगे One को करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर हमारे क्या है सी इज द करेक्ट आंसर वन में से आप सब्टैक्ट कर लेना इतना तो काम आप कर सकते हो वन का मतलब देखो यहाँ पे कितने है इसको थाउजेंड में सब करो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इतना काम तो कर सकते हो भाई आप टीचर बनने वाले हो वन में से सब तो कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वन वन सिक्स मैन मीन ऑफ हंड्रेड ऑब्जर्वेशन इज फोर्टी फाइव हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास कितना है 45 ठीक है इट वॉज फाउंड इट वॉज लेटर फाउंड दैट टू ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन नाइनटीन एंड थर्टी वन वर रिकॉर्डेड इन करेक्टिव इन करेक्टली एज नाइनटी वन एंड थर्टीन जो नाइनटीन एंड थर्टी वन है इनके प्लेस पे हमने ये डिजिट लिखती है देन द करेक्ट मीन इज दिस हंड्रेड ऑब्जर्वेशन है टोटल उनका मीन हमारे पास कितना है फोर्टी फाइव है ठीक है लेकिन क्या हुआ गलती से एक मिस्टेक हो गई जो दो ऑब्जर्वेशन थी ना उनका क्या किया नाइन्टीन के प्लेस पे तो नाइन्टी वन लिखा गया और थर्टी वन के प्लेस पे थर्टीन लिखा गया ठीक है ये क्या हुई हमारे पास मिस्टेक हो गई अब देखते जो सौ ऑब्जर्वेशन है इनका सम हम बात करेंगे तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव हंड्रेड आ जाएगा ठीक है क्योंकि क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन होता है ना तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया सम हमारे पास आ चुका है फाइव फोर्टी फाइव हंड्रेड ठीक है ये हमारे पास हो चुका है और इनका सम हमारे पास क्या आएगा अगर इनकी बात करें तो नाइन वन थ्री नाइन वन टेन और थ्री वन फिफ्टी हमारे पास आ गया और यहाँ से फोर और ये वन ज़ीरो फोर अब क्या हुआ 104 और ये हमारे पास 50 ये हमने लिख दिया लिखना ये था तो डिफरेंस कितने का हुआ हमारे पास यहां पे 104 सौ चार माइनस फिफ्टी डिफरेंस हुआ हमारे पास 54 का ठीक है इतना डिफरेंस आ गया ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या किया हमें ये लिखना था और ये लिख दिया लिखना था 50 लिख दिया 104 जीरो फोर यानी उनका सम इतना हो गया ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट तो पड़ेगा मेन पे तो कितना डिफरेंस हुआ हमारे पास फिफ्टी फोर नंबर्स का अगर फिफ्टी फोर नंबर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या करेक्ट मीन नहीं आ जाएगा चलिए करते हैं फोर फाइव जीरो जीरो फिफ्टी फोर माइनस करेंगे तो सिक्स नाइन फोर 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 सिक्स ये हमारे पास क्या है समा चुका है ठीक है हमें क्या निकालना है हमें निकालना है इसका मीन तो ऑब्जर्वेशन कितनी थी हंड्रेड तो फोर्टी फोर पॉइंट फोर सिक्स ठीक है क्या किया हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास फोर्टी फाइव है तो उनके सम की बात करेंगे तो उनका सम टोटल हमारे पास फोर्टी फाइव हंड्रेड होगा ये नंबर हमें लिखने थे उनके प्लेस पे ये नंबर लिखती है इनका सम कितना है फिफ्टी इनका सम कितना है वन जीरो फोर इन दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे पास फिफ्टी फोर का डिफरेंस आ गया यानी फिफ्टी फोर हमने ज़्यादा लिख दिया ठीक है थेके? तो फिफ्टी फोर को वापस माइनस करो ऑब्जर्वेशन ठीक करने के लिए तो फिफ्टी फोर हमने माइनस किया टोटल में से तो हमारे पास ये आया अब इसका मीन निकालेंगे डिवाइड बाय 100 करके तो आंसर 44.46 जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेमल नंबर वन पॉइंट टू थ्री सिक्स फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन इस टाइप से नंबर चल रहा है हमारे पास ठीक है इसको क्या करना है हमें इज इक्वल टू द रेशनल नंबर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है दैट इज पी बाई क्या फॉर्म में लिखना है अब देखो यहाँ से जो नंबर है वो रिपीट कहाँ से हो रहा है टू थ्री नहीं है सिक्स फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन नंबर यहाँ से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो टू थ्री सिक्स फाइव सेवन तो इस पे हमने क्या लगा दिया बार ठीक है इसको मान लेंगे हम एक्स के इक्वल ठीक है ये हमारे पास फर्स्ट अब देखो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितने हमारे पास फाइव डिजिट है तो इसको क्या करेंगे वन जीरो जीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम पे ठीक है तो यहां से हमारे पास और यहां से हमारे पास फाइव जीरो है तो ये फाइव पॉइंट आगे जाएगा तो ट्वेंटी थ्री सिक्स फाइव सेवन पॉइंट सिक्स फाइव सेवन बार ये हमारे पास आएगा इक्वेशन क्या हुई हमारे पास सेकंड ठीक है अब ये चेक करो कि यहाँ पे कितने डिजिट ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है अब नहीं है बार कितने डिजिट है डेसिमल के बाद टू डिजिट तो इसको क्या करेंगे फर्स्ट को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी, भी 1.23657 बार मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ से 100x और यहाँ से हमारे पास आएगा ये पॉइंट टू डिजिट आगे से रख जाएगा पॉइंट सिक्स फाइव सेवन बार ये हमारे पास यहाँ से आ चुका है इक्वेशन नंबर थर्ड अब क्या करो थर्ड माइनस सेकेंड तो थर्ड सॉरी सेकेंड माइनस थर्ड इसमें से इसको माइनस करेंगे इज इक्वल टू टू थ्री सिक्स फाइव सेवन पॉइंट सिक्स फाइव सेवन बार माइनस वन टू थ्री पॉइंट सिक्स फाइव सेवन बार अब देखो यहाँ पे सिक्स फाइव सेवन बार सिक्स फाइव सेवन बार इसका तो हमारा कोई काम नहीं ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चा ये इसमें से इसको सब्टैक्ट करेंगे तो हमारे पास आने वाला है सेवन थ्री फोर फाइव टू थ्री सिक्स वन फाइव थ्री और ये टू टू थ्री फाइव थ्री ये हमारे पास इसका आएगा और यहाँ पे क्या था एक वन भी तो था ये वन भी था हमारे पास और ये वन आ गया ठीक है वन टू थ्री फाइव थ्री फोर और यहां से हमारे पास इसमें से हंड्रेड हमने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा एक्स जीरो जीरो नाइन 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 ठीक है तो हमें क्या निकालना है एक्स की वैल्यू तो ये चीज क्या जाएगी इसके नीचे चली जाएगी टू थ्री फाइव थ्री फोर नाइन 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 डबल जीरो ये हमारे पास इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर चेक करते हैं वन टू थ्री फाइव थ्री फोर देखो किसमें होगा फर्स्ट में नहीं है सेकंड में नहीं है थर्ड में नहीं है फोर्थ में है वन टू थ्री फाइव थ्री फोर और नीचे हमारे पास ट्रिपल नाइन डबल जीरो ये हमारे पास इसकी होगी रेशनल फॉर्म होगी चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन बिल्कुल है। बस ये देखो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितनी है उतने से मल्टीप्लाई करो टेन की पावर से और किन डिजिट्स पर डेसिमल सॉरी बार नहीं है उससे मल्टीप्लाई करो देट करो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टू हमारे पास जो सेट है यह हमारे पास है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स तो देखो इनमें से कुछ कॉमन है ऑप्शन फर्स्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या एक्सल आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन वन बाई एक्स के आता है नहीं आता ऑप्शन फर्स्ट इन करेक्ट सेकेंड वाई के है नहीं आता थर्ड इनका इंटरसेक्शन क्या है फाइव यही आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन एट और क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन वन वन नाइन वन वन नाइन हमारे पास है इफ जी जीवल टू वन 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 टू थ्री थ्री फाइव फोर सेवन चलिए वह स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी जी हमारे पास है वन वन टू थ्री थ्री फाइव फोर सेवन ये है फंक्शन डिस्क्राइब जी ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन वट इज वैल्यू शुड बी असाइन टू ए एंड बी ए एंड बी इसके वैल्यू में फाइंड करनी है ठीक है जियो फैक्स वैल्यू क्या हमारे पास ये वैल्यू है एक्स वैल्यू जब वन फुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ये आएगी वन तो चलिए करते हैं आप कोई भी उठा के पुट कर सकते हो ये भी पुट कर सकते हो ये भी ये भी ये भी ठीक है आपकी चॉइस है चलिए इससे करते हैं तो हमारे पास वन इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे वन प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट फिर ये करते हैं टू पुट एक्स के प्लेस पे तो यहाँ पे टू आएगा टू ए प्लस बी और यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री इक्वेशन सेकेंड सब करो इसको कैंसिल माइनस ए ऑप्शन तो 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 नंबर देखते हैं कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन ट्वेंटी क्वेश्चन क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजी है आप कर सकते हो देखो क्या है द रिमाइंडर वेन द सम ऑफ द जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल अब टू हंड्रेड फैक्टोरियल इज डिडेड बाई क्या फाइंड करना है रिमाइंडर तो जीरो फैक्टोरियल प्लस वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल प्लस फाइव फैक्टोरियल प्लस डैश डैश नाइन्टी नाइन फैक्टोरियल प्लस हंड्रेड फैक्टोरियल इसको क्या करना है ट्वेल्व से डिवाइड तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सिक्स फोर की फोर थ्री जै ट्वेल्व टू जै ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी एंड सेवन अब देखो ट्वेल्व सेवन को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा वन इसको करेंगे वन टू सिक्स इसको करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास जीरो अब नेक्स्ट में भी क्या है हमारे पास फाइव मल्टीप्ला ट्वेंटी फोर ये तो है इसका रिमाइंडर जीरो है तो इसका भी जीरो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी सब का रिमाइंडर क्या आएगा जीरो तो ये बचा हमारे पास रिमाइंडर ट्वेल्व तो से डिवाइड करेंगे तो वन वन टू टू प्लस टू फोर फोर प्लस सिक्स टेन यह हमारा आंसर है ठीक है ये हमारा क्या बचेगा इसका रिमाइंडर बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था फैक्टोरियल पर बेस्ड उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी टू के हमें डिवाइड डिवाइजर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे तो क्या करो टू से डिवाइड वन टू सिक्स सिक्स थ्री थ्री से करेंगे टू वन थ्री से करेंगे सेवन सेवन से करेंगे वन अब देखो क्या है टू की पावर टू थ्री की पावर टू सेवन की पावर वन हम क्या निकालने है? नंबर ऑफ डिवाइजर तो क्या करो टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन जो पावर है उसमें क्या करो एक एक ऐड करो और सभी की मल्टीप्लाई तो यहां से थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू दैट इज हमारे पास एटीन इज द करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज प्राइम नंबर देन ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या है इस प्रकार से नंबर लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है हमारे पास क्या है आंसर प्राइम नंबर चलिए एजल टू मान लेते हैं टू बी इजल टू लेते हैं वन तो पुट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टू का स्क्वेयर फोर माइनस वन का स्क्वेयर वन दैट इज थ्री और इन नंबर्स को अगर हम ऐड करें ए प्लस बी दैट इज टू प्लस वन क्या आता है थ्री तो ये इसके इक्वल है चलिए एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं ए इजगल टू थ्री बी इज इक्ल टू टू पुट करते हैं यहाँ पे थ्री का स्क्यर नाइन टू का स्क्वेयर फोर दैट इज फाइव अगर इनको ऐड करेंगे तो थ्री प्लस टू फाइव तो क्या ए स्क्र माइनस बीस स्क्वेयर ए प्लस बी का इक्वल नहीं है है कि नहीं वैल्यू सेम आ रही है तो ए स्क्र माइनस बीस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी इसके इक्वल है जो कि ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग अच्छा क्वेश्चन है इसको करते हैं आपने ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ क्वेश्चन ये नंबर थ्योरी के अंदर 150x 35 मोड 31 इज वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इसका मतलब क्या है जो ये चीज है जो ये चीज है 31 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है 35 ठीक है क्या कहता है 155 को इसको ए मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बी और ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर ठीक है जब इस ए को इससे डिवाइड करेंगे मतलब क्या है ए इज इक्वल टू बी क्यो प्लस आर क्या हो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है यानी मल्टीपल है ठीक है क्वेश्चन होगा हमारे पास बी से डिवाइड करेंगे ए को तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है आर आता है ठीक है तो क्या करो इस को थोड़ा सा कर लेते हैं इसको क्या करो 5 से डिवाइड करो इसको 5 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आएगा 30x और यहाँ से 5 से करेंगे 7, मोड 31. अब क्या करो 30x को डिवाइड करेंगे 31 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 7. दैट इज 30x इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई क्या प्लस 7 ठीक है ये हमारे पास आएगा राइट right? अब क्या करो 31 क्या क्या इज इक्वल टू थर्टी माइनस सेवन एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी जो थर्टी वन से डिवाइड हो जाए ठीक है अब देखो इसको करते हैं बाई ऑप्शन एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से चलिए देखते हैं फोर्टीन से एक्स की वैल्यू फोर्टीन पुट करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए उठाते हैं इसका एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन तो हमारे पास क्या आएगा थर्टी मल्टीप्लाई फोर्टीन माइनस सेवन तो फोर्टी टू माइनस सेवन दैट इज हमारे पास फोर वन थ्री जो ये नंबर है हमारे पास ये थर्टी वन से डिविजिबल नहीं है किससे डिविजिबल नहीं है ये थर्टी वन से अब ऑप्शन पुट करते हैं बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ट्वेंटी टू एक्सिकल टू ट्वेंटी टू हो जाएगा तो यहाँ पे थर्टी मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू माइनस सेवन तो हमारे पास सिक्सटी सिक्स माइनस सेवन दैट इज हमारे पास सिक्स फाइव थ्री जो ये नंबर है ये भी क्या है थर्टी वन से डिविजिबल नहीं है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी देखते हैं सी हमारे पास है ट्वेंटी फोर एक्स एजी बोलो ट्वेंटी फोर तो थर्टी मान ली ट्वेंटी फोर माइनस सेवन दैट इज जीरो तीन सौ बारह सात माइनस सेवन दैट इज हमारे पास सेवन वन थ्री ये नंबर जो हमारे पास है ये नंबर क्या है थर्टी वन से डिविजिबल है डिविजिबल है तो कितना टाइम जाएगा ये यह नंबर जाएगा हमारे पास तीन सौ दो सौ छह सौ ट्वेंटी थ्री टाइम्स ठीक है ट्वेंटी थ्री टाइम्स ये नंबर जाएगा तो ये नंबर क्या है हमारे पास क्या कैल्यू क्या है यहाँ से ट्वेंटी थ्री मतलब एक्स कैल्यू जब ट्वेंटी फोर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास थर्टी वन का मल्टीपल हो जाएगा और यही हमारा आंसर है ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन आप पुट करोगे तो भी आंसर डिविजल नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट रहता है आप वीडियो को पॉज करो पीछे लेके जाओ फिर देखो आप, आपको अच्छे से समझ आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड क्वारेंट सेकेंड क्वारेंट वालाइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है ठीक है तो ये वैल्यू हमारे पास की होती है पीएपोन भी हमें क्या निकालनी है एच कल्यू निकालनी है तो पी स्क्र प्लस बी स्क्र इज ईगल टू एच स्क्र तो थ्री स्क्वेयर नाइन सिक्सटीन एच स्क्र एच इज ईगल टू हमारे पास आएगा यहाँ से फाइव ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव आएगा एच के लिए फाइव आ चुकी है हमें क्या निकालनी है साइन थिएटा सेकेंड क्वार्टन के अंदर क्या होता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है साइन और कोशेक तो वैल्यू हमारे पास आएगी पी अपोन एच डैट इज थ्री बाई फाइव ये हमारा इसका आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन ओन रूट ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज वन रूट क्या होगा अब देखो यहां पे x वैल्यू क्या पुट करें दोनों इक्वेशन आ जाए इक्वल आ जाए तो x वैल्यू जीरो पुट करेंगे यहां पे टेन जीरो भी क्या होता है जीरो और x वैल्यू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे ये भी क्या होता है जीरो इक्वेशन क्या हो गई सेटिसफाई हो गई तो इसका ऑप्शन हमारे पास वन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वन ट्वेंटी सिक्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है वन क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है देखते हैं कि उसको क्या है ए पर्सन एट द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व दैट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजक्टिव किलोमीटर्स स्टोन्स ऑन ए रोड लेडिंग टू द फुट ऑफ द हिल व थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री द हाइट ऑफ द हिल हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर बैठा हुआ है ठीक है मान लेते हैं ए बी सी डी इसको नाम हमने दे दिया ए बी सी डी ठीक है हमें क्या निकालनी है एच क्यूल्यू फाइंड करनी है जो एंगल है वो हमारे पास कितना है थर्टी डिग्री यहाँ पे कितना है सिक्सटी डिग्री जैसे जैसे पास होते जाएंगे तो हमारे पास एंगल क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा अब क्या कहते हैं एच कल्यू निकालो लेकिन जो डिस्टेंस ये क्या है कंजक्टिव किलोमीटर्स है ठीक है लगातार इस पर यानी डिफरेंस कितने का वन का तो ये हमारे पास होगी वन किलोमीटर इसको मान लेते हैं हम एक्स किलोमीटर ठीक है अब बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी के अंदर इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी के अंदर एच अपोन बीसी बीसी वैल्यू क्या हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टेन सिक्सटी डिग्री टेन सिक्सटी इसके लिए क्या होते है हमारे पास रूट थ्री तो एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स इक्वेशन फर्स्ट हो गई अब सेम इन ट्रायंगल बात करेंगे इस बड़ी ट्रायंगल की ए बी डी के अंदर सेम काम करेंगे एच अपोन अब बात करेंगे बी डी लेंथ बी डी लेंथ कितनी है एक्स ये और वन ये दैट इज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री और टेन थर्टी की वैल्यू होती है हमारे पास, 1 3. तो यहां से एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपोन रूट थ्री इक्वेशन सेकेंड देखो फर्स्ट से भी हमारे पास क्या आई एच के वैल्यू सेकंड से भी हमारे पास क्या आई एच वैल्यू दोनों को इक्वल रखो रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स इज ईक्वल टू एक्स प्लस वन और टू एक्स इज इक्वल टू वन दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स वैल्यू हमारे पास वन बाई टू आ चुकी है हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है एच की ठीक है हाइट क्या है किसे पुट करो इसको चले करते हैं वन के अंदर पुट तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाए रूट थ्री मल्टीप्लाई वन बाई टू दैट इज रूट थ्री बाई टू ये हमारा इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन की बात करते हैं क्वेश्चन वन ट्वेंटी सेवन हमारे पास है इफ ए इज ईग्वल टू ए बी सी बी इज इग्वल टू हमारे पास है बी सी डी और सी इज इग्वल टू हमारे पास है ए डी सी देन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी हमें ये फाइंड करना है तो देखो ए माइनस बी इसका मतलब है ए की वे वैल्यू जिसमें बी की वैल्यू प्रेजेंट ना हो ठीक है तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या है बी है और सी है तो इनको छोड़ दो ए की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी ओनली ए रहेगी ठीक है ए की वे वैल्यू जिसमें बी की वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो बी सी प्रेजेंट है हम ये नहीं लेंगे मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी कॉमन वैल्यू क्या है इसके अंदर बी कॉमन है नहीं है सी कॉमन है सी कॉमन है डी कॉमन है चलिए डी भी कॉमन है तो यहां से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए सी और ए डी ये हमारा इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए सी और AD है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स ज इक्वल टू मोड एक्स देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस इनवर्स एक्सल फर्स नॉट एग्जिस्ट इनवर्टिबल होने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है वन वन एंड ऑन टू ठीक है अब यहां से इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसकी जो रेंज हमारे पास वो क्या रहने वाली है जीरो से इन्फिनेटी ठीक है बट जो डोमेन इसकी है वो डोमेन क्या है इसकी रियल नंबर्स है ठीक है तो ये फंक्शन क्या हुआ हमारे पास यहां से नोट ऑन टू ये फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है ठीक है वन वन चेक करते हैं तो एफ ओफ एक्स इज इक्ल टू एफ ओफ माइनस एक्स ये चीज़ भी नहीं है तो ये क्या हुआ हमारे पास ना तो ऑन टू है ना वन वन है तो ये फंक्शन क्या है इन्वर्टेबल नहीं है इन्वर्टेबल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये इलेवंथ क्लास तो का क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वन ट्वेंटी नाइन द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे दे रहे हो तो एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो इसका रियल रूट फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है एक्स क्यूब है चलिए कोई बात नहीं एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करो बाई इंस्पेक्शन जो इसको जीरो बना दे ठीक है तो वेलो देखते हैं यहाँ पे नाइन का फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है थ्री हो सकता है तो थ्री को वेलो पुट करते हैं थ्री थ्री जा नाइन ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स थ्री जा एटीन प्लस नाइन तो यहाँ से क्या आएगा जीरो हो जाएगा इक्वेशन सेटिस्फाई तो इसका एक रूट हमारे पास क्या आ गया थ्री आ गया एक्स एज थ्री पुट किया ठीक है ठीक है माइनस एटीन ये जीरो आया नहीं ये जीरो नहीं आया हमारे पास क्योंकि ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन थर्टी सिक्स माइनस एटीन एटीन बचेगा तो यहाँ पे माइनस पुट करते हैं माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये नाइन अब जीरो आ जाएगा हमारे पास तो एक्स कर लू हमने क्या पुट किया यहाँ पे माइनस थ्री तो क्या कहा है एक इसका क्या होगा रियल रूट होगा माइनस थ्री जो कि हमारा आंसर आ चुका है नेक्स्ट टू रूट आएंगे वो कैसे आएंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ फाइव रेस टू पावर 834 इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा फाइव आएगा क्यों क्योंकि फाइव की पावर टू करो 25 फाइव दैट इज़ क्या आएगा फाइव फाइव की पावर थ्री करो 125 क्या आएगा फाइव फाइव की पावर फोर करो 625 ट्वेंटी फाइव आएगा सभी के अंदर क्या आता है यूनिट प्लेस पे फाइव तो इसका आंसर फाइव आएगा ऑप्शन नंबर आप देख लेना कौन सा है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ साइन थर्टीन पाई बाई फोर इज सेम एज द वैल्यू साइन थर्टीन पाई बाई फोर ये वैल्यू किसके इक्वल होगी सेम किसकी होगी वैल्यू अब देखो हमारे पास जो क्वारेंट होता है वो टू पाई पर आगे फर्स्ट क्वारेंट वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है ठीक है तो इसको क्या करो टू पाई ब्रेक करो साइन टू पाई प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर टू जट प्लस फाइव पाई बाई फोर तो टू पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है पॉजिटिव तो साइन फाइव पाई बाई फोर इसका आंसर ये रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन थर्टी टू अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल टेंथ क्लास का क्वेश्चन है अच्छे इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क् प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो है अल्फा बीटा इसका रूट है देन वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इसकी वैल्यू क्या होगी तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस फोर बाई थ्री प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फाबीटा सी बाई ए यहाँ से क्या आएगा अल्फाबीटा बीटा प्लस अल्फा दैट इज बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस फोर बाई थ्री यहाँ से थ्री कैंसिल आंसर माइनस फोर बाई सेवन जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर वन थर्टी थ्री ऑफ देशन एक्सक्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज अल्फाबीटा है अच्छा क्वेश्चन है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सीज इक्वल टू जीरो इसके रूट्स के हमारे पास अल्फा बीटा हमें क्या करना है देन द इक्वेशन रूट्स आर दिस एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये होंगे वन बाई एल्फा वन बाई बीटा तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स बात करते हैं तो क्या आएगा माइनस बी एपोन ए बी एप ओन ए और अल्फाबीटा की बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तो क्या आएगा सीअपोन ए यह आया हमारे पास अब सेम यहाँ से इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो वन बाई एल्फा प्लस वन बाई बीटा तो अल्फा प्लस बीटा अपोन अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस बी एपोन है यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू सी एप है तो ए से कैंसिल तो माइनस बी एप सी और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है स्टार्टिंग वाली तो यहाँ से सी एक्स के टर्म में है तो इसको वाई के टर्म में लिख लेते हैं ठीक है सी वाई स्क्र माइनस बी है माइनस बी हो गया यानी प्लस के सी वाई इसके बाद क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स

नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका नंबर रूट टू पाई आईटापा कैसा ये? एक है। रूट टू, पाई। ये इरेशनल नंबर है तो आंसर क्या इसका इरेशनल नेक्स्ट इफ देर आर ट्वेल्व पर्सन इन ए पार्टी एंड इफ ईच ऑफ देम सेक हैंड्स विद ईच अदर ऑफ हैंड शेक इन दार्टी ट्वेल्व पर्सन पार्टी के अंदर ठीक है हुआ किससे 12 पर्सन इन पार्टी ईच ऑफ देम हैंड शेक और सभी किसी भी क्या करते हैं हैंड शेक करते हैं टोटल हैंड शेक कितने होंगे तो हमारे पास क्या हुआ हमने चूज किया दो को तो 12 11 अपॉन टू वन टू सिक्स दैट इज 66 सिक्स हैंडशेक होंगे हमारे पास टोटल टोटल में सबने कितने चूज किए हैंड दो हैंड कितने होते हैं हाथ दो ही तो होते हैं तो दो हाथ चूज किए ठीक है तो सभी से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिक्सटी सिक्स हैंड शेक होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ सेवन सी जीरो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है रिजल्ट पर बेस्ड है प्लस सेवन सी वन प्लस सेवन सी टू प्लस जेज एस सेवन सी क्या हुआ हमारे पास सिक्स प्लस सेवन सी सेवन इस वैल्यू हमें फाइंड करनी है अब देखो हमारे पास रिजल्ट होता है एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर यह रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन सी जीरो प्लस एन सी वन तो हमारे पास क्या आएगा एन प्लस वन दैट इज सेवन प्लस एट सी वन दैट इज़ क्या आएगा एट सी वन ठीक है यहाँ से हमारे पास एट 1 आ गया प्लस अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा एट सी टू प्लस लास्ट में जाए हमारे पास क्या आ जाएगा एट सी सेवन क्योंकि लास्ट में टू था लास्ट में सेवन है तुमने तो सेवन लिख दिया ठीक है इसके बाद अगेन यहां पर फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एक फार्मूला होता है हमारे पास यहां से एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस जैस एन सी एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन इसके कुल हमारे पास फार्मूला होता ही ठीक है अब देखो हमारे पास ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है यानी एट सी जीरो नहीं है और एट सी एट इसकी वैल्यू नहीं है ठीक है एन सी जीरो वैल्यू क्या होती है वन होती है एन सी एन की वैल्यू क्या होती है वन होती है दैट इज टू नहीं है यहाँ पे ठीक है एक वन यहाँ पे एक वन यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास टू रेज टू पावर एन अगर यहाँ पे एक और ऐड कर दें एट सी जीरो और एट सी एट एट सी जीरो और एट सी एट ये ऐड कर दें तो एक वैल्यू यहाँ से आएगी वन और एक वैल्यू यहाँ से आएगी वन दैट इज कितना हो जाएगा टू हो जाएगी अब टू यहाँ पे नहीं है तो सब हो जाएगा ये हमारा इसका आंसर है ये रिजल्ट है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टू रेस्ट टू पावर एन हमारे पास है, एन के लिए हमारे पास एट है तो टू रेस्ट पावर एट माइनस टू ये इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन थर्टी सेवन फोर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो ए इंटरसेक्शन ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या था हमारे पास सॉरी यूनियन था यहाँ पे तो ये इंटरसेक्शन ओपन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट बाई डी मोरगनसला तो से तो यहाँ से ए इंटरेक्शन एक साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फाइव आएगा और फाइव आएगी के साथ मल्टीप्लाई करो इंटरसेक्शन करो यूनियन करो आंसर क्या आता है फाइव ठीक है हमारे पास यहाँ से फाइव आएगा इंटरसेक्शन करते तो नेक्स्ट टाइम तो ऑप्शन नंबर हमारे पास देख लेना कौन सा है सी ऑप्शन करेक्ट है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल है एक्स थ्री इज एटीन स्क्र यूनिट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स कैल्यू फाइंड करनी है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्या करो इसको टू सेवन फाइव वन एक्स थ्री वन 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 इजिक्वल टू हमारे पास क्या है एटीन ठीक है यो तरिया वन बाई टू तो यहाँ से हमारे पास वन बाई टू इसका इंटीग्रेशन ओ डिटमेंट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा टू ये कैंसिल है कैंसिल वन माइनस थ्री तो माइनस टू माइनस सेवन कैंसिल कैंसिल एक्स माइनस फाइव प्लस वन फिफ्टीन माइनस एक्स इजिक्वल टू एटीन तो हमारे पास वन बाई टू माइनस फोर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन माइनस एक्स इजिक्वल टू एटीन तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस एट एक्स थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन फिफ्टी फिफ्टी माइनस फोर हमारे पास आएगा ये फिफ्टी माइनस फोर डेट इज़ फोर्टी सिक्स वन बाई टू इजिक्वल टू एटीन तो यहाँ से हमारे पास टू से कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस फोर एक्स माइनस के ट्वेंटी थ्री इजिक्वल टू एटीन तो माइनस फोर एक्स इजिक्वल टू एटीन प्लस ट्वेंटी थ्री तो हमारे पास यहाँ से टू सेवन फाइव वन एक्स थ्री वैल्यू क्या है टू सेवन फाइव वन एक्स थ्री इज एट इन स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स एरिया ऑफ ट्राएंगल निकालना है चलिए एरिया ऑफ ट्राएंगल निकालते हैं हम इस फॉर्मूले फार्मूले दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो हमारा का फार्मूला होता है ठीक है वैसे फार्मूला ये बनेगा देखो ये हमारे पास ट्राएंगल है ए बी सी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ये हमारे पास है तो हमारे पास एक्स वन ये लेंगे तो ये छोड़ दिया तो क्या आएगा वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्राएंगल और बाहर वन बाई टू ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है तो वन बाई टू एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे? टू वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू माइनस वाई थ्री वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस एक्स टू की वैल्यू क्या फाइव वाई थ्री माइनस वाई वन थ्री माइनस सेवन दैट इज माइनस फोर प्लस एक्स थ्री की वैल्यू एक्स और वाई वन माइनस वाई टू सेवन माइनस वन सिक्स हमारे पास एरिया एटीन है वन बाई टू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू एटीन तो माइनस के ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स एक्स इजिक्वल टू एटीन टू से डिवाइड करेंगे इसको हम तो कितना आएगा माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री एक्स इजिक्वल टू एटीन तो थ्री एक्स इजिक्वल टू एटीन प्लस ट्वेल्व दैट इज थर्टी एक्स इज एक्स इजिक्वल टू हमारे पास टेन ठीक है ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा अब आंसर सीवा सकता वो कहीं डेट मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ठीक है आंसर सी वजह कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारा आंसर हुआ एक्स इजिक्वल टू टेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका टू एंगल्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट नाइन एंड माइनस सेवन फोर रेशो टू रेशो थ्री में इंटरनली तो पॉइंट निकालना हमें ठीक है टू रेशो थ्री है और सेवन कोमा फोर है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा एक्स को वाई हमें उसके लिए फाइंड करनी है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई टू माइनस सेवन माइनस फोर्टीन प्लस थ्री एट जा ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फाइव कोमा टू एट जा टू फोर एट प्लस थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव तो यहाँ से टेन बाई फाइव टू यहाँ से ट्वेंटी सेवन और एट थर्टी फाइव थर्टी फाइव बाई फाइव दैट इज सेवन टू कोमा सेवन इज द राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बी है नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसल ट्रायंगल आर ऑलवेज क्या होते हैं आइसोसल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं ठीक है 141 का द सॉल्यूशन ऑफ द सेट मोड 2x 1 3 ग्रेटर देन 5 इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आने वाला है मोड 2x 3 ग्रेटर देन 5 तो यहां से क्या आएगा 2x 3 5 और फाइव ठीक है तो यहाँ से थ्री एट आएंगे तो माइनस एट लेस देन टू एक्स लेस देन टू टू से डिवाइड करेंगे माइनस फोर एक्स लेस देन वन तो एक्स का वैल्यू क्या है माइनस फोर से छोटी है तो माइनस फोर से छोटी है तो ये हमारे पास इंटरवल होगा यूनियन और क्या है एक्स वैल्यू वन से बड़ी है तो वन से इन्फिनेटी तक ये हमारे इसका आंसर रहने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वन फोर्टी टू वन फोर्टी टू के अंदर हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ये वैल्यू दी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 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 टू ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है सबसे पहले क्या करो एफ टू की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पे टू पुट करो तो क्या आएगा हमारे पास टू प्लस वन थ्री टू माइनस वन वन दैट इज थ्री गया हमारे पास इसके ऊपर क्या करो फिर ये एफ अप्लाई कर दो इसके लिए हमारे पास क्या आ गई थ्री आ चुकी है ठीक है तो हमारे पास ये चीज क्या बन गई अब एफ ऑफ एफ ऑफ थ्री तो एफ ऑफ थ्री निकाल लो तो हमारे पास क्या आएगा थ्री प्लस वन फोर थ्री माइनस वन टू तो फोर बाई टू दैट इज टू आ गया हमारे पास ठीक है तो इसके लिए हमारे पास टू आ गई अगेन फिर एफ अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टू के लिए हमारे पास क्या आई थी थ्री आई थी तो इसका आंसर थ्री, तो इस थ्री आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास विज द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो मोड एक्स बाई एक्स नॉट एग्जिस्ट ठीक है क्यों नहीं क्यों एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मोड है क्योंकि होती है माइनस एक्स होती है और एक्स होती है अब एक्स आप एक्स करेंगे तो माइनस वन और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका द वैल्यू ऑफ इफ लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस थ्री अपोन एक्स रेज टू पावर एक्स इज दिस हमारे पास फॉर्मुल होता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस ए अपोन एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ए रेज टू पावर ई रेज टू पावर ए तो हमारे पास यहां से इसका जो आंसर आने वाला है ई रेज टू पावर थ्री आएगा ठीक है ये रिजल्ट होता है हमारे पास वन प्लस ए अपोन एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई रेज टू पावर ए होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 145, है, है? तो वन, वन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर वैल्यू ऑफ़ देखो जीरो पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो बाई जीरो नोट डिफाइंड हो जाएगा तो क्या करो यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन माइनस वन अपन एक्स प्लस वन माइनस वन हमने एड कर दिया सब तो यहाँ से फॉर्म बनेगी हमारे पास x प्लस वन की पावर वन बाई टू माइनस इसको इसको लिख सकते हैं वन बाई टू कोई प्रॉब्लम नहीं है एक रिजल्ट होता है हमारे पास x टेंस टू जीरो एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n और x माइनस ए एन इन टू ए रेज टू पावर n माइनस वन ये रिजल्ट होता है यहाँ पे अप्लाई करो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है वन बाई टू ए की वैल्यू कितनी है वन पावर माइनस वन बाई टू नीचे क्या है कुछ नहीं है ये हमारा आंसर रहेगा देट इज़ वन बाई टू क्योंकि वन की पावर कुछ भी करो आंसर क्या रहता है वन रहता है तो वन बाई टू इसका आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है वैल्यू ऑफ साइन ट्वेंटी एट को सिक्सटी टू साइन ट्वेंटी एट को सिक्सटी टू इसको नाइन्टी में से माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कोस सिक्सटी टू और को सिक्सटी टू ठीक है लिख सकते हैं क्योंकि क्या होता है हमारे पास साइन नाइनटी माइनस ए इजल टू को से होता है इसको sin sin 90 62 ले सकते हैं तो हमारे पास क्या है को से कट करेंगे आंसर इसका 1 आएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखते हैं 147 को 147 क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147 ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12 डिजिट की प्रोडक्ट क्या हमारे पास 12 अब 12 देखो प्रोडक्ट किस-किस की आ सकती है टू तो और सिक्स क्या सकती है थ्री और फोर क्या सकती है फोर थ्री क्या सकती है सिक्स टू क्या सकती है ये नंबर होंगे हमारे पास ठीक है अब देखो इसके बाद क्या है वैन थर्टी सिक्स एडिड टू इट्स नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस अगर डिजिट में क्या करें थर्टी सिक्स एड कर दें तो डिजिट की क्या हो जाएगी प्लेस इंटरचेंज हो जाएगी यानी ट्वेंटी सिक्स है तो क्या जाएगा ये सिक्सटी टू बन जाएगा ऐसा होना चाहिए तो नंबर फाइंड करना क्या होगा देखो 26 में से 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 62 तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा 26 रहेगा इसमें ऐड करो 43 थ्री थर्टी फोर प्लस थर्टी सिक्स जीरो सेवन इसमें ऐड करो नाइन सेवन नियत्ता इसमें ऐड करो टू और नाइन डिजिट इंटरचेंज नहीं होती डिजिट इंटरचेंज ओनली इसमें हो रही है तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास ट्वेंटी जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है इसका सी वन फोर्टी एट इट द रूट ऑफ इक्वेशन फोर प्लस एम एक्स प्लस एम प्लस वन एक्स प्लस इक्वल टू जीरो आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम तो फोर प्लस एम एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रूट्स इक्वल है इक्वल रूट्स हैं तो क्या करेंगे हम बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जीरो होता है जब रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो बी स्क्र तो एम प्लस वन का स्क्यर माइनस फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई फोर प्लस एम ये हमारे पास आएगा तो एम प्लस वन का स्क्र एम स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एम माइनस सिक्सटीन माइनस के फोर एम तो यहाँ से हमारे पास आएगा एम स्क्र माइनस टू एम माइनस फिफ्टीन इजिक्वल टू जीरो आंसर क्या है इसका ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं देन द वैल्यू ऑफ एम इज दिस फोर प्लस एम एम प्लस वन बी स्क्र माइनस फोर ए सी एम प्लस वन माइनस फोर दिस कोई बात नहीं नंबर देखो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है फिफ्टीन आए और सम कितना है उसका माइनस टू आए तो हमारे पास नंबर होंगे एम माइनस फाइव करेंगे तो माइनस टू आएगा तो एम माइनस थ्री एम प्लस फाइव इजिक्वल टू जीरो तो एम इजीवल टू क्या यहाँ से थ्री और माइनस फाइव ये दो वैल्यू आएंगे हमारे पास देखो ऑप्शन किस में है है किसी में ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है फाइव फोर टू इस टाइप से है सॉरी एम की वैल्यू माइनस फाइव प्लस थ्री और ये माइनस फाइव क्योंकि माइनस फाइव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो माइनस टू आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फिफ्टीन तो इसका आंसर क्या रहेगा फाइव रहेगा माइनस थ्री ऑप्शन में नहीं है अगर भी भी होता, तो इस कांसर भी होता। 3 तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये वैल्यू इसके इक्वल भी होगी साइन ए प्लस बी अब ये वैल्यू साइन में किसके होती है रूट थ्री बाई टू साइन सिक्सटी की वैल्यू तो साइन हट गया एंटी लेंगे तो सिक्सटी इक्वेशन फर्स्ट सेम यहाँ से लेंगे तो हमारे पास क्या है ए माइनस बी और ये वैल्यू कि, किसके होती है कोस में साइन थर्टी कोस थर्टी की तो वन बाई एन थर्टी डिग्री इक्वेशन टू एड करो यहाँ से टू ए इज इक्वल टू नाइनटी ए टू फोर्टी फाइव ए फोर्टी फाइव है तो बी इज वल टू जाएगा हमारे पास फिफ्टीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लिमिट लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके क्वेश्चन पे जो फिफ्टी क्वेश्चन है वे हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्योंकि okay, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी वैल्यू ऑफ द लिमिट एंड एंड इन्फिनेटी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एस एस एन अपॉन एन इक्वल टू स्के लिए निकालने ये क्या होता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का सम क्या हमारे पास एन एन टू एन प्लस वन बाई टू अपोन में एन तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट क्या हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिटी तो एन इन टू एन प्लस वन, बाई टू एन, एन से एन कैंसिल नीचे क्या हमारे पास एन है या एन स्क्र है नीचे एन स्क्र है सॉरी तो एक एन हमारे पास बचेगा यहाँ पे तो एन प्लस वन वन बाई टू एन तो यहां से वन बाई टू बाहर एन अंदर लेके जाएंगे तो वन प्लस वन बाई एन लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेन टू इन्फिनिटी तो वन बाई टू वन प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे जीरो तो इसका आंसर क्या वन बाई टू दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहां पर हमारे क्वेश्चन फिफ्टी फिनिश होते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन है वे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग